ओम काल भैरवाय नमः। दोस्तों, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि काल भैरव का पूजन करने से ग्रह दोष, बाधाएं, रोग, शोक, शत्रु आदि सभी बाधाओं का निवारण होता है। भक्त भयमुक्त हो जाता है। काल भैरव बाबा का जो भक्ति करते हैं वो भक्त भयमुक्त हो जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। भगवान भोलेनाथ का पांचवा अवतार माना गया है इनको, और भगवान भोलेनाथ का ये रुद्र रूप होते हैं। दोस्तों, काल भैरव पूजा में हमें किसकी सामग्री की आवश्यकता होती है, इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है। क्या पूजा विधि होती है, किस प्रकार से हमें चौकी हटानी होती है, क्या सारे नियम होते हैं, संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पे आ चुका है। तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम काल भैरव की कथा का श्रवण करेंगे। कथा कुछ इस प्रकार से है। देखिए, कथा सुनने से पहले हमें हाथ में कुछ हम काले उड़द और चावल ले लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर फूल भी ले सकते हैं। खाली हाथ हमें कथा नहीं सुननी चाहिए। हाथ में कुछ ना कुछ अवश्य रूप से आप रख लें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुला करके एक सभा की गई। सभी से यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा गया है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के पाँच मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास चार मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफ़ी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को बहुत समय तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनके दंड का समापन होता है। इसके बाद में इनका एक नाम दंडपाणी भी पड़ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में हमें हाथ में जो हमने काले उड़द और चावल लिए हैं उनको हम भैरव बाबा के पास इस प्रकार से छोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं भैरव बाबा से। कहानी को सुनते टाइम हमें अवश्य रूप से हुंकारे भरने चाहिए, और आप चाहें तो यहाँ पर गणेश जी की भी कथा कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और कॉमेंट बॉक्स में भैरव बाबा की जय आप अवश्य रूप से लिखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भैरव बाबा की।